सीवान में दामाद के शव को घर के दरवाजे पर छोड़कर भागे ससुराल वाले, परिजनों ने अनहोनी की जताई आशंका। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। जी हाँ, बिहार के सीवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीवान जिले में ससुराल के युवक को मृत अवस्था में ससुराल वालों ने दरवाजे पर छोड़कर फरार हो गए हैं। मृतक जिले के सराय ओपी थाना क्षेत्र के पपोर गांव के निवासी श्रद्धा तिवारी के 30 वर्षीय पुत्र राज किशोर तिवारी बताया जा रहा है। मृतक राज किशोर तिवारी के पिता श्रद्धा तिवारी ने बताया कि वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला अंतर्गत सहगंज गए हुए थे। बुधवार को राजकिशोर की साला और अन्य दो व्यक्ति दरवाजे पर चार पहिया वाहन से पहुंचे और दरवाजे पर ही सौ रखकर वहां से फरार हो गए। उन्होंने कहा कि राजकिशोर की मृत्यु कैसे हुई है अभी तक किसी को कुछ भी जानकारी नहीं है। वहीं पिता श्रद्धा तिवारी ने बताया कि घर के सभी सदस्य घर के अंदर ही मौजूद थे, तभी उसी दौरान राजकिशोर की साला व अन्य दो व्यक्ति के साथ चार पहिया वाहन से पहुंचे और दरवाजे पर सौ रखकर वहां से फरार हो गए। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं सराय थाना के पुलिस द्वारा शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सीवान के सदर अस्पताल भेज दिया गया है। सराय के थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मृत्यु कैसे हुई है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तस्वीरों में देख सकते हैं यही युवक है जिनका ससुराल में बॉडी मिला हुआ है। तो फिर से बता दें कि बड़ी खबर बिहार के सीवान से आ रही है, जहां सीवान जिले में ससुराल के युवक को मृत अवस्था में ससुराल वालों ने दरवाजे पर ही छोड़ दिया है और वहां से आसानी से फरार हो गए हैं। बुधवार को राजकिशोर के साला अन्य और दो व्यक्ति दरवाजे पर चार पहिया वाहन से पहुंचे और दरवाजे पर ही सौ रखकर वहां से फरार हो गए हैं। हालांकि अब देखना होगा इस मामले में पुलिस कब तक कार्रवाई कर पाती है, कब तक पूरे मामले खुलासा कर पाती है, यह तो समय में पता चलेगा। परिजनों के द्वारा साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि हत्या करके मेरे पुत्र का शव रखकर आसानी से लोग फरार हो गए हैं। अब देखना होगा इस मामले में सराय थाने की पुलिस कब तक कार्रवाई कर पाती है, कब तक इस घटना में शामिल आरोपियों के पास पहुंच पाती है, यह तुरंत समय में पता चलेगा।